आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोरोना वैक्सीन की पहली डोज ली है। पीएम मोदी आज सुबह करीब 7 बजे दिल्ली के एम्स पहुंचे और वैक्सीन लगवाई। पीएम मोदी ने ट्वीट कर इसकी जानकारी भी दी। पीएम ने भारत बायोटेक की स्वदेशी वैक्सीन कोवैक्सीन लगवाई है। वैक्सीन लेने के बाद पीएम ने लिखा कि देश के वैज्ञानिकों डॉक्टरों ने शानदार काम किया है। उन्होंने अपील की है कि सभी बेफिक्र होकर वैक्सीन लगवाएं। आपको बता दें कि आज से 60 साल से ज्यादा उम्र के लोगों के वैक्सीनेशन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। और पीएम मोदी आज सुबह एम्स पहुंचकर कोरोना की देसी वैक्सीन कोवैक्सीन लगवाई। उन्होंने पीएम को वैक्सीन लगाने वाली नर्स सिस्टर निवेदा पुडुचेरी से आती हैं। उनकी सहयोगी नर्स रोसम्मा अनिल केरल से आती हैं। वैक्सीनेशन के मौके पर पीएम मोदी ने जो गमछा कंधे पर रखा था वो असम से आता है। पीएम के वैक्सीन लगाने के बाद नर्स सिस्टर निवेदा ने क्या कहा, आइए आपको सुनाते हैं। आज मेरे ज़िंदगी का एक महत्वपूर्ण दिन है। सर से मिलने की मौका मिला। सर जब सुबह आए थे वैक्सीन के लिए, भारत बायोटेक की कोवैक्सीन की फर्स्ट डोज लिए है सर आज। इतना डर भी नहीं था कि हम पीएम से मिल रहे। सर इतने अपने दोस्ती के साथ हमसे बात कर रहे थे, बातचीत करे। वैक्सीन लगाने के बाद 30 मिनट सर को ऑब्जर्व किया था हमने, तो ऐसे कोई इमीडिएट कॉम्प्लिकेशंस नहीं था। सर ने बोला कि टीका लगा भी नहीं उनको, मतलब इतना दर्द भी नहीं पहुंचाया ना हमने। हाँ जी, तो फिर अच्छा था, अच्छा खासा एक्सपीरियंस था सर के साथ। और देश में आज से कोरोना वैक्सीनेशन का दूसरा चरण शुरू हुआ है। 60 साल से ज़्यादा उम्र के लोगों को वैक्सीन दी जा रही है। 45 साल से ज़्यादा उम्र के गंभीर बीमारी से ग्रस्त लोगों को भी वैक्सीन दी जा रही है। सरकारी केंद्रों पर ये वैक्सीन मुफ्त में दी जा रही है, जबकि निजी अस्पतालों में वैक्सीन की कीमत 250 रुपये प्रति डोज रखी गई है। हम आपको वैक्सीनेशन अभियान की 4 तस्वीरें दिखा रहे हैं, इस वक्त आपकी स्क्रीन पर हैं। मुंबई, भोपाल, गाज़ियाबाद के अलावा पंजाब में भी वैक्सीनेशन की तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर हैं। आप देख सकते हैं कि आज चूंकि पहली बार ये हो रहा है कि निजी अस्पतालों में भी वैक्सीनेशन का काम शुरू हुआ है, तो ये 4 तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर इस वक्त आज के वैक्सीनेशन की। और इसके अलावा आपको हम 3 और तस्वीरें दिखा रहे हैं। अभी हमने इससे कुछ देर पहले पीएम की तस्वीर दिखाई वैक्सीन वाली, लेकिन अब इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और ओडिशा के सीएम नवीन पटनायक ने भी कोरोना का टीका लगवाया है। और इस खबर पर दिल्ली से और ग्राउंड रिपोर्ट के साथ जी मीडिया संवाददाता समीर दीक्षित हमारे साथ जुड़ रहे हैं। समीर, बताइए और क्या इनपुट हैं दिल्ली से, क्या कुछ आप देख पा रहे हैं? आज पहला दिन है, क्या खबरें आ रही हैं ग्राउंड से वैक्सीनेशन को लेकर? बिल्कुल मृत्युंजय, सबसे पहले आपको बता दें कि इस वक्त हम राम मनोहर लोहिया सरकारी अस्पताल में मौजूद हैं और यहां पर सुबह से ही काफ़ी संख्या में वरिष्ठ नागरिक और जो कोविन वेबसाइट पर जिन्होंने रजिस्ट्रेशन किया है वो यहाँ पर आ रहे हैं और वो कोरोना वैक्सीन लगवाने के लिए अपने नंबर का इंतजार कर रहे हैं। तस्वीरों के जरिए आप देखें कि किस तरीके से जो वरिष्ठ नागरिक हैं और जो साथी 45 से 59 वर्ष के बीच में जो नागरिक है वो यहाँ पर पहुँच रहे हैं। उनका एक्सपीरियंस क्या है, उनके लिए कितना सरल या मुश्किल भरा रहा? सर, सबसे पहले समझूंगा कि कोरोना वैक्सीन के लिए क्या अगर आपने रजिस्टर किया है या मैं वैसे और काम के लिए आया हूँ डॉक्टर को दिखाने। अच्छा, वैसे मैं बहुत एक्सेप्ट करता हूँ इसको, बहुत बढ़िया है, ये सबसे बेस्ट है। दूसरा कि आज प्रधानमंत्री मोदी ने कोरोना वैक्सीन लगवाई, क्या उससे भरोसा जागता है? उससे जो अभी तक बात है इसमें कोई दो राय नहीं है, इतने डॉक्टरों ने मेहनत करके ये यहाँ तक पहुँच गए, इससे बहुत बढ़िया बात होती है कि आज ये देश नंबर 1 बन गया। ठीक है, भरोसा जागता है कि जब देश के पीएम खुद वैक्सीन लगवाते हैं तो अभी तक जो संशय का माहौल है उसको काफ़ी हद तक दूर करने में मदद मिलती है। लेकिन इसके अलावा जो प्रक्रिया, आपको बता दें कि यहाँ पर जो हॉस्पिटल की तरफ से स्टाफ मौजूद है, यहाँ पर अगर ऑन स्पॉट रजिस्ट्रेशन करना होता है, मान लीजिए कोई वेबसाइट के जरिए अगर रजिस्ट्रेशन नहीं हो पाया है तो ऑन स्पॉट रजिस्ट्रेशन की भी सुविधा है? कोई आता है यहाँ पर तो उनको किस तरीके से सुविधा देते हैं? नहीं, यहाँ पे आके नहीं, उनको ऑलरेडी पहले रजिस्टर करना होता है ऑनलाइन। अगर वो रजिस्टर करते हैं तो उनको प्रिंटआउट लेके उनको नंबर वो सब बताना होता है, उसके बाद ही हम यहाँ पे उनको
ये शीट देते हैं जहाँ पे उनको कंसेंट लेनी पड़ती है, उनको सब समझाया जाता है कि किस तरह का कौन सा वैक्सीन लगाया जा रहा है, कितने दिन बाद दूसरा डोज लगेगा, इससे क्या क्या रिएक्शन हो सकती है, वो सब, कोई भी संशय कोई भी दुविधा ना रहे मन में, उनको सब पहले बता दिया जाता है। सर, जिनको भी कोरोना वैक्सीन लगनी है उनके मन में जो भी सवाल है तो यहाँ पर स्टाफ मौजूद है उन सवालों को बकायदे समझाते हुए दूर करने के लिए। इसके बाद हम दाखिल होते हैं और यहाँ पर आप देखें तो प्रॉपर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करके यहाँ पर कोरोना वैक्सीन लगाने के लिए हॉस्पिटल में मौजूद हैं और लोग अपने नंबर के साथ इंतजार कर रहे हैं कि वो यहाँ पर कोरोना वैक्सीन लगवा पाए। एक सुखद तस्वीर के साथ साथ सुबह एक जरूर दिक्कत आई थी मृत्युंजय, वो फटाफट मैं आपको बता देता हूँ। हुआ क्या था कि कोविन जो वेबसाइट है उस पर रजिस्ट्रेशन होना था, लेकिन बड़ी संख्या में लोग कोविन जो मोबाइल एप्लीकेशन है उस पर रजिस्ट्रेशन करने की कोशिश कर रहे थे। तब जाकर के सुबह 11 बजे सरकार ने क्लैरिफाई किया कि मोबाइल एप्लीकेशन से आपका कोई संबंध नहीं है, आपको वेबसाइट के जरिए ही रजिस्ट्रेशन करना होगा। तो ये जब स्थिति क्लियर हुई उसके बाद लोगों को जो मोबाइल एप्लीकेशन को लेकर में थोड़ी बहुत इस तरह की तकनीकी परेशानी आती है, लेकिन RML हॉस्पिटल से समीर हमारे साथ लाइव जुड़े हैं, उन्होंने आपको ताजा तस्वीरें वहां की दिखाई। अब चलते हैं मुंबई और मुंबई से हमारे संवाददाता सुबोध मिश्रा इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सुबोध, मुंबई की क्या तस्वीर है, क्या ग्राउंड पर आप देख पा रहे हैं, आज पहला दिन है? बिल्कुल मृत्युंजय जी, आपको मैं बता दूं कि मुंबई में भी कमोबेश वही लोगों में उत्साह देखने को मिला। जब सुबह सुबह हम गए तो यहाँ पर सबसे बड़ी बात यह है कि जहाँ पर फ्रंट लाइन वर्कर्स जो बचे हुए थे वो भी वैक्सीन ले रहे थे, इसके अलावा कुछ जो दूसरा डोज है वो भी ले रहे थे, लेकिन सबसे ज़्यादा जो उत्साह दिखा वो हमें जो सीनियर सिटीजन है उनमें दिखा। यहाँ पर कई सारे ऐसे लोग थे जिनमें इस चीज़ का उत्साह था, इवन व्हील चेयर पर भी सुबह के बहुत अच्छे नज़ारे थे, बहुत अच्छी तस्वीरें, कुछ तस्वीरें मैंने भेजी भी थी, तो कई सारे थे जो व्हील चेयर पर भी आए हुए थे और उनको इस बात का बड़ा आश्वासन था कि ये जो आज जो प्रधानमंत्री जी की जो तस्वीर आई है वैक्सीन लेकर के, उसके बाद उनके अंदर काफ़ी आश्वासन दिखा उनके चेहरे पर और उन्होंने इस बात को काफ़ी अप्रिशिएट किया। और आज शुरुआत जो है सीनियर सिटीजन की हुई है और काफ़ी लंबी लाइन में हुई। मैं आज BKC के बैंड्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स में था, इसके अलावा यहाँ पर JJ हॉस्पिटल और जो हमारा यहाँ पे कूपर हॉस्पिटल, इसके अलावा कई सारे जो प्राइवेट हॉस्पिटल हैं, करीब 4 प्राइवेट हॉस्पिटल जो है इनको यहाँ पर वैक्सीनेशन के लिए दिया गया है। आज पहला दिन है सीनियर सिटीजन का, धीरे धीरे ये संख्या बढ़ेगी और लोगों में काफ़ी इस चीज़ को राहत देखने को मिली है। जी मृत्युंजय जी, चलिए बहुत शुक्रिया सुबोध आपका और समीर आपका भी हमारे साथ जुड़ने के लिए, ग्राउंड रिपोर्ट हम तक पहुंचाने के लिए कि दिल्ली मुंबई की ताज़ा तस्वीर आज की क्या है वैक्सीनेशन की। लेकिन अब इस वक्त हमारे साथ एम्स के पूर्व डायरेक्टर डॉक्टर NC मिश्रा साहब जुड़ चुके हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। मिश्रा जी, मैं आपसे जानना चाहता हूँ क्योंकि अब ये बिल्कुल तस्वीर साफ है, PM ने वैक्सीन लगाकर ये बता दिया है कि पूरी तरह से सेफ है कोवैक्सीन भी, आप उन लोगों को क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि बहुत सारे लोगों के मन में ये सवाल था अब तक कि जब हम जाएंगे वैक्सीनेशन सेंटर पर तो उन्हें पता नहीं होगा कि उन्हें कौन सी वैक्सीन दी जा रही है, इसको लेकर दुविधाएं थी, उन लोगों को आप क्या कहना चाहेंगे वैक्सीन की सेफ्टी को लेकर? सर, अच्छा लगता है हमारा संपर्क उनसे अभी टूट गया है, लेकिन हम दोबारा उनसे जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं। हम आपको देश के अलग अलग हिस्से की तस्वीर दिखा रहे हैं कि आज पहला दिन है और एक महान आप कह सकते हैं कि वैक्सीनेशन को लेकर चल रहा है। PM लगवा कर लोगों को दिया है कि वैक्सीन पूरी तरह से सेफ है, तो जब आप सेंटर पर जाएं तो आपको जो भी वैक्सीन मिले उसको लेकर के आपके मन में कोई झिझक नहीं होनी चाहिए, क्योंकि पूरी तरह से वैक्सीन को सुरक्षित यहाँ पर बताया जा रहा है। हमारे साथ डॉक्टर MC मिश्रा, एम्स के पूर्व डायरेक्टर इस वक्त जुड़ चुके हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका। आप सर उन लोगों को क्या कहना चाहेंगे जिनके मन में इस तरह के सवाल होते हैं कि जब सेंटर पर जाएंगे तो पता नहीं कौन सी वैक्सीन दी जाएगी और वैक्सीन चूज करने का अधिकार उनके पास नहीं होगा, आप उन लोगों को क्या मैसेज देना चाहेंगे, क्या कहना चाहेंगे? मैसेज प्रधानमंत्री ने बहुत साफ दिया है आज, बहुत बड़ा मैसेज दिया है, देश को दिया है, दुनिया को दिया है, और मेरा एज ए चिकित्सक ये कहना होगा कि आप को जो भी वैक्सीन आपके रास्ते में आ रही है और मिल रही है वो लगवा लें। वो कोवैक्सीन भी उतनी ही सेफ है, एफिकेसी उसकी उतनी ही है जितनी कोविशील्ड की है, और आज प्रधानमंत्री ने कोवैक्सीन लगवा के मैं समझता हूँ बहुत सारे लोगों को चुप कर दिया जो
कोवैक्सीन की कहीं ना कहीं दबी जबान से आलोचना कर रहे थे, उन सबको उन्होंने जवाब दे दिया है वैक्सीन लगवा के, और बिल्कुल उन्होंने का पता भी नहीं लगा किस तरह से लगी, और सबको वेव करते हुए वो लगवा के गए, सुबह आए, लोगों को जिससे इनकन्वीनियंस ना हो जल्दी आ गए थे, लगवा के चले गए। अच्छा, तो ये बहुत बड़ा मैसेज है जिसको शब्दों में बयान करना नहीं, लेकिन एक्शन ठीक बात लोगों को देखना चाहिए, और आगे से आगे आके लोगों को वैक्सीन की जो प्रक्रिया है उसमें हिस्सा लेके अपने को सुरक्षित करें, देश को सुरक्षित करें। जी, ये आपने बहुत महत्वपूर्ण बात कही कि एक बड़ा मैसेज पीएम की तरफ से दिया गया है, इसलिए और एक डॉक्टर होने की हैसियत से भी मिश्रा जी आपको ये कह रहे हैं कि आपको बिल्कुल निश्चिंत रहना चाहिए, दोनों वैक्सीन सेफ है और उसमें कहीं से कोई फर्क नहीं है, इसलिए आपने मन में आप किसी तरह का कन्फ्यूजन ना रखें, जो वैक्सीन आपको मिल रही है वो वैक्सीन आप ले लें। बहुत शुक्रिया सर आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस पर डिटेल राय अपनी देने के लिए।